नमस्कार, न्यूज एट नाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती आज, कोलकाता में हुआ था जन्म। विश्व कवि और कवि गुरु के तौर पर हैं प्रसिद्ध टैगोर। केरल में वेस्ट नाइल फीवर का खतरा, सभी जिलों को हुआ नोटिस जारी। सबसे पहले युगांडा में मिला था मामला। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ी, मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत हुए थे गिरफ्तार। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है इस एक्ट के लिए जिम्मेदार एजेंसी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। आज यानी 7 मई को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती है। उनका जन्म 7 मई सन 1861 को कोलकाता में हुआ था। भारत के इतिहास में उन्हें कला की अलग अलग विधाओं में सशक्त उपस्थिति दर्शाने के लिए जाना जाता है। उनके व्यक्तित्व की छाप बंगाल के साहित्य, संगीत और कला पर दिखाई जाती है। पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती बंगाली कैलेंडर के मुताबिक रविन्द्र जयंती के नाम से वैशाख महीने के 25वें दिन मनाई जाती है। इस हिसाब से 2024 में पश्चिम बंगाल में रविन्द्र जयंती 8 मई को मनाई जाएगी। रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव, विश्वकवि और कविगुरु के तौर पर प्रसिद्ध हैं। उन्हें साल 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबल पुरस्कार मिला था, जिससे वे साहित्य में नोबल पाने वाले पहले गैर यूरोपीय विजेता बने। गीतांजलि उनकी कविताओं का संग्रह है। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी हैं, भारत और बांग्लादेश। देखिए, एक तो भारत का राष्ट्रगान जनगणमन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखित है। जनगणमन को भारत की संविधान सभा ने 24 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया था। साथ ही इनके द्वारा लिखा गया आमार सोनार बांग्ला वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान को इंग्लिश लैंग्वेज में आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में ट्रांसलेट किया गया था। साल 2019 में रविन्द्रनाथ टैगोर मदनपल्ली के बेसेंट थियोसोफिकल कॉलेज में विजिट पर आए थे, जहां उन्होंने 28 फरवरी 1919 को राष्ट्रगान को इंग्लिश में मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ इंडिया के तौर पर ट्रांसलेट किया था। इंग्लिश वर्जन के लिए म्यूजिकल नोट्स मार्गरेट कजिन ने तैयार किए थे। उन्हें किंग जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित भी किया था। जलियावाला बाग नरसंहार के विरोध में उन्होंने नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि लौटा दी थी। साल 2023 में पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। शांति निकेतन की स्थापना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही की गई थी। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के अपने अनुभवों का परिणाम था। दरअसल वे बचपन में स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। स्कूल उन्हें सफोकेटिंग लगता था। उनका मानना था कि स्कूल बच्चों की रचनात्मकता को खत्म कर देते हैं। बड़े होने पर वे एक ऐसे स्कूल सिस्टम को डेवलप करना चाहते थे जहां बच्चे प्रकृति के साथ न केवल अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा दें, साथ ही खुश भी हों। इसी मकसद से उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में की थी। आप बताइए, आपके मुताबिक स्कूल कैसा होना चाहिए? इस खबर की अहमियत को समझने के लिए वर्ष 2021 में यूपीएससी द्वारा पूछे गए एक सवाल पर आइए करते हैं गौर। प्रश्न था, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पिंगली वेंकैया ने यहां भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया था। पट्टाभी सीतारमैया ने यहां से आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहां पर राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। या फिर मैडम ब्लात्स्की और कर्नल आलकाट ने यहां सबसे पहले थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था। इसका सही जवाब है विकल्प सी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत यानी कि जुडिशियल कस्टडी को 20 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल को लिकर पॉलिसी स्कैम में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में हमारे लिए दो बातें समझना जरूरी है, न्यायिक हिरासत से क्या मतलब है और दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है। तो देखिए, न्यायिक हिरासत से मतलब है कि जब किसी व्यक्ति को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने केंद्रीय या राज्य की जेल में रखा हो, इस कस्टडी के लिए मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जज द्वारा आदेश दिया जाता है। न्यायिक हिरासत का समय 60 से 90 दिनों का हो सकता है। न्यायिक हिरासत में पूछताछ के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत होती है। इस हिरासत में व्यक्ति की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट के पास होती है।
मतलब कि व्यक्ति मजिस्ट्रेट के संरक्षण में होता है। वहीं पुलिस कस्टडी में व्यक्ति को पुलिस स्टेशन या लॉकअप में रखा जाता है, साथ ही ये विश्वास किया जाता है कि अपराध व्यक्ति ने किया है। पुलिस कस्टडी में दोषी को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, साथ ही पूछताछ बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के की जा सकती है। अब बात करते हैं PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की। इस एक्ट का मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए लाया गया था। इसका उद्देश्य मादक पदार्थों की तस्करी, आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी अवैध गतिविधियों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना है। इसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल अवैध संपत्ति को जब्त भी किया जाता है। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की जांच करने के लिए जिम्मेदार है। इस एक्ट के तहत ही ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। इसकी वजह दिल्ली सरकार की 2021-22 की एक्साइज पॉलिसी के फॉर्मुलेशन और एग्जीक्यूशन में की गई मनी लॉन्ड्रिंग को बताया गया है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। गर्मी का मौसम सिर्फ हॉलीडे वेकेशन नहीं लाता, बल्कि ये मौसम अपने साथ तमाम बीमारियों को भी लाता है। अब खबर आ रही है कि केरल की सरकार ने बताया है कि राज्य में वेस्ट नाइल फीवर के मामले दर्ज किए गए हैं। केरल के सभी जिलों को इस मामले में सतर्क रहने के लिए कहा गया है। केरल में वेस्ट नाइल फीवर का पहला मामला साल 2011 में दर्ज किया गया था। 2019 में तो इसके चलते एक 6 साल के बच्चे की मौत भी हो गई थी। वेस्ट नाइल फीवर का मामला सबसे पहले साल 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में पाया गया था। इसी के चलते इस फीवर को वेस्ट नाइल फीवर कहा जाता है। वेस्ट नाइल फीवर मनुष्यों में क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है। ये मच्छर वेस्ट नाइल वायरस से संक्रमित होते हैं। वेस्ट नाइल वायरस से संक्रमित अधिकांश लोगों में लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन लगभग 5 में से 1 व्यक्ति को बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द और अन्य फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। बेहद कम मामलों में, लेकिन गंभीर होने पर वेस्ट नाइल मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में गंभीर सूजन यानी कि एंसेफलाइटिस और मेनिनजाइटिस का कारण बन सकता है। पक्षी इस वायरस के नेचुरल होस्ट होते हैं। ये वायरस घोड़ों को भी संक्रमित करता है, लेकिन उनके लिए वैक्सीन ईजाद कर ली गई है, पर अभी तक इंसानों के लिए वैक्सीन नहीं बनी है। ये फ्लेवी वायरस जीनस की फैमिली का वायरस है। यहाँ एक बात नोट कर लेनी चाहिए कि अभी तक वेस्ट नाइल वायरस का ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है जहां पर यह एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में फैला हो। ऐसे ही घोड़े भी इस वायरस के लिए डेड एंड होस्ट हैं, मतलब ये कि अगर इनसे कोई घोड़ा संक्रमित होता है तो इन्फेक्शन आगे नहीं फैलता है। अब दुनिया और समाज किसानों से और ज्यादा की उम्मीद करने लगा है। इनसे अपेक्षा करने लगा है कि ये न सिर्फ भोजन पैदा करें बल्कि जलवायु परिवर्तन को कम करने में भी हमारी मदद करें, और इसके लिए किसान अपनी खेती के तरीकों में बदलाव करें। इसलिए आजकल खेती में नए नए तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें से एक है कार्बन फार्मिंग। आजकल खेती में कार्बन फार्मिंग के इस्तेमाल को बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। उम्मीद है कि कार्बन फार्मिंग के जरिए किसान जलवायु परिवर्तन से लड़ सकते हैं। कार्बन फार्मिंग वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकती है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। इससे खेती ज्यादा उपज देने वाली और टिकाऊ हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बन फार्मिंग आखिर है क्या। असल में कार्बन फार्मिंग एक कृषि प्रबंधन प्रणाली है जो मिट्टी में कार्बन को संग्रहित करने पर केंद्रित है। ये वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन से लड़ने का एक तरीका है। इस तकनीकी में मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है, साथ ही बायोडायवर्सिटी को बढ़ावा मिलता है। परंपरागत खेती में मिट्टी की उर्वरता में कमी की वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। पशुओं के प्रजनन और रखरखाव के कारण मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता है। साथ ही उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल की वजह से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता है। आसान भाषा में कहा जाए तो कार्बन फार्मिंग एक तरह की कृषि प्रक्रिया है जिसका मकसद वायुमंडलीय कार्बन को मिट्टी, फसल की जड़ों, लकड़ी और पत्तियों में एकत्र करना है। इसके लिए किसान खेती की नई व्यवस्था को लागू करते हैं, जैसे कि कार्बन से भरपूर उर्वरकों का इस्तेमाल,
मिट्टी को खराब करने वाली जुताई में कटौती और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाले पेड़ और फसलें उगाना। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र प्रणाली भी अपनाई जाती है। यह कार्बन को संरक्षित करने में मिट्टी की मददगार दूसरी तकनीकों में शामिल है। इसके तहत वो ऐसी फसलें उगाते हैं जो पूरे साल बदल बदल कर लगाई जा सकती हैं। साथ ही इसमें मिट्टी में नाइट्रोजन बनाए रखने के लिए परती भूमि पर कवर क्रॉप यानी कि मिट्टी को ढक कर रखने वाली फसल लगाने और रासायनिक उर्वरकों के बदले कंपोस्ट का इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया जाता है। ये तरीके मिट्टी में दूसरे जरूरी पोषक तत्वों की हिफाजत भी करते हैं जिनकी जरूरत पौधों को होती है। ऐसे में फिर उन्हें कृषि रसायनों की जरूरत कम हो जाती है। कुल मिलाकर कार्बन खेती कई लाभ प्रदान करती है मगर इसकी प्रभावशीलता कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि भौगोलिक स्थिति, मिट्टी का प्रकार, फसल का चयन, पानी की उपलब्धता, जैव विविधता और खेत का आकार और पैमाना। इसकी उपयोगिता भूमि प्रबंधन प्रथाओं, पर्याप्त नीतिगत समर्थन और सामुदायिक सहभागिता पर भी निर्भर करती है। लंबे समय तक स्थिर मौसम, पर्याप्त वर्षा और पर्याप्त सिंचाई वाले क्षेत्र कार्बन खेती के लिए सबसे उपयुक्त माने जाते हैं। वहीं दूसरी ओर कार्बन खेती गर्म और शुष्क क्षेत्रों में चुनौतीपूर्ण हो सकती है। पानी की सीमित उपलब्धता पौधों के विकास में बाधा डाल सकती है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथक्करण की क्षमता सीमित हो जाती है। चलिए अब वक्त हो चला है आज के बुलेटिन में रैपिड न्यूज को देखने का। भारतीय सेना उत्तर प्रदेश के सरसावा और गोरखपुर स्थित वायुसैनिक अड्डों पर MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन तैनात करने की योजना बना रहा है, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर निगरानी क्षमताओं को उन्नत करेंगे। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने कुछ दिनों पहले ही MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने को मंजूरी दी थी। यह ड्रोन सीगार्डियन संस्करण वाला है। अमेरिका के साथ ड्रोन डील के अनुसार 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जा रहे हैं, जिनमें से 15 समुद्री क्षेत्र में भारतीय नौसेना द्वारा तैनात किए जाएंगे तथा शेष 16 में से 8 भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए होंगे, जो संभवतः वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लगभग सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की निगरानी करेंगे। वियतनाम ऐतिहासिक डीन बुआन फू विजय की 70वीं वर्षगांठ बना रहा है। यह फ्रांसीसी औपनिवेशिक ताकतों पर देश की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐतिहासिक डियान बेन पू युद्ध को 20वीं सदी की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है। यह युद्ध लगभग 56 दिनों तक चला और 7 मई 1954 को समाप्त हुआ। इस युद्ध के साथ ही यहाँ फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन का पतन हो गया था तथा फ्रांस की हार के बाद 21 जुलाई 1954 को जिनेवा समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। भारतीय बाजार में अस्थिरता मापने वाला सूचकांक इंडिया विक्स 15% बढ़कर 16.58 पर पहुंच गया है, जिसके बाद विशेषज्ञों ने बड़ी लीवरेज पोजीशन के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी है। यदि हम इंडिया विक्स की बात करें तो यह एक ऐसा सूचकांक है जो निकट भविष्य में बाजार में अस्थिरता को मापने का काम करता है। इसे फियर इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया विक्स की गणना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा की जाती है। यह निफ्टी के साथ एक मजबूत नकारात्मक संबंध दिखाता है। जब इंडिया विक्स गिरता है तो निफ्टी बढ़ता है और इंडिया विक्स बढ़ता है तो निफ्टी गिरता है। अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन युद्ध में रासायनिक एजेंट के प्रयोग का आरोप लगाया था। उन्होंने रासायनिक हथियार के रूप में क्लोरोप्रिक्रीन के उपयोग करने का आरोप लगाया है। क्लोरोप्रिक्रीन एक रासायनिक यौगिक है जिसे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के नाम से जाना जाता है। यह रंगहीन से लेकर पीले रंग का तैलीय तरल होता है। यह एक जलन पैदा करने वाला पदार्थ है जिसमें आंसू गैस जैसी विशेषताएं होती हैं। इसे पहली बार प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों द्वारा जहरीली गैस के रूप में प्रयोग करने के लिए बनाया गया था। भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक UAV एयरक्राफ्ट PWD-200B का अनावरण किया गया है। इसका डिजाइन और निर्माण भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा किया गया है। यह एक मध्यम ऊंचाई लंबी एड्योरेंस वाला लड़ाकू UAV एयरक्राफ्ट है जो 100 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है। यह ऑप्टिकल निगरानी पेलोड और सटीक हवाई हमले के लिए मिसाइल जैसे हथियारों से लैस है। इसकी अधिकतम स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन की सीमा 200 किलोमीटर है। चीन की पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप जीता है। इस कप का आयोजन हर 2 साल में किया जाता है तथा इसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। यदि हम थॉमस कप की बात करें तो इसे विश्व पुरुष बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है। पहली बार इसका आयोजन 1948-49 में किया गया था तथा इस थॉमस कप के इतिहास में सबसे सफल टीम इंडोनेशिया की रही है।
उसने इस चैंपियनशिप को 15 बार जीता है। इसके बाद चीन का स्थान आता है। भारत ने 2022 में एक बार चैंपियनशिप को जीता है। चीन की महिला बैडमिंटन टीम ने उबेर कप जीता। इसका आयोजन भी हर 2 साल में किया जाता है। इस कप को महिला बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1984 से उबेर कप का आयोजन थॉमस कप के साथ एक ही स्थान पर किया जाता है तथा पहली बार इसका आयोजन 1956-57 में किया गया था। इस चैंपियनशिप में चीन सबसे सफल टीम है जिसने 16 बार इस कप को जीता है। उसके बाद जापान का स्थान आता है। भारतीय महिला टीम ने अभी तक एक बार भी उबेर कप नहीं जीता है। इंडियन सुपर लीग का फाइनल मैच मुंबई सिटी AFC फुटबॉल क्लब ने जीता। उन्होंने मोहन बागान सुपर जाइंट्स को 3-1 से हराकर जीत हासिल की। यह मुंबई सिटी AFC क्लब का दूसरा खिताब है। इससे पहले 2020-21 में पहला इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता था। यदि इंडियन सुपर लीग की बात करें तो यह देश का शीर्ष प्रोफेशनल डोमेस्टिक पुरुष फुटबॉल क्लब आधारित टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। भारत के तेजस्विन शंकर ने एरिजोना एथलेटिक्स मीट में हाई जंप लगाकर जीत हासिल की है। उन्होंने सीजन की सर्वश्रेष्ठ हाई जंप लगाकर USATF थ्रो फेस्टिवल 2024 का खिताब जीता। तेजस्विन शंकर की व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ हाई जंप 2.29 मीटर है, जो एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। इसे उन्होंने 2018 में हासिल किया था। वहीं एक और भारतीय एथलीट सर्वेश कुशारे इस टूर्नामेंट में 5वें स्थान पर रहे। चलिए अब नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, वेस्ट नाइल वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह इंसानों से इंसानों में फैलता है, इंसानों के लिए वैक्सीन मौजूद है, उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अब आइए नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या हैं सही उत्तर। पहला प्रश्न पूछा गया था, GST एपिलेट ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार मिश्रा, रंजना प्रकाश देसाई, इंदु मल्होत्रा या फिर ऋतुराज अवस्थी। इसका सही जवाब है विकल्प ए। अगला प्रश्न था, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु, कोच्चि, चेन्नई या फिर कोडागु में। इसका सही जवाब है विकल्प ए। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ख्याल रखिएगा अपना। कल फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।